नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का साथ दिखाते हैं। राजस्थान के जिला झाड़ावाला में मुस्लिम समाज के द्वारा एक सामाजिक मिसाल पेश की गई। मुस्लिम समाज के द्वारा 18 जोड़ों का सामूहिक रूप से निकाह संपन्न कराया गया। इस कराए गए संपन्न निकाह में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के एवं भाजपा पार्टी के कई नेतागण मंच पर आसीन रहे। उनके साथ उपस्थित सभी परिजन, बंधु बांधव, समाज के सभी साथी, बड़ी खुशी की बात है कि हर वर्ष की भांति हमारे जो है गोसिया का कमेटी लगातार जो है, मैं भी काफी वर्षों से आपके बीच में, मुझे हाँ 15 साल से, और मुझे भी लगभग जो है करीब करीब हर वर्ष आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही जो है हम सब परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, हम सब ये कामना करते हैं, अल्लाह ताला से कामना करते हैं कि नवविवाहित वर वधुओं के दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आए, इनका पारिवारिक जीवन जो है खुशियों से भरा हो, इनके परिवार में खुशियाँ आए और इनका जो है जीवन तरक्की हो, इनके जीवन में खुशियाँ हो, तरक्की हो और इनके परिवार में खुशियाँ आए। चूँकि सबको पता है कि शादी जब होती है किसी इंसान की बालिग होने के बाद, तो शादी के बाद जो है उसके जीवन में निश्चित एक मोड़ आता है। बचपन से लगाकर जवानी तक तो जो है इंसान का एक अलग ही उसका हिस्सा होता है परिवार का, और जब शादी होती है तो शादी के होने के बाद उसके जीवन में जो है निश्चित मोड़ आएगा, उसके साथी बदल जाएंगे, दोस्त बदलेंगे, रिश्तेदार बदलेंगे, सभी तरह का जो मोड़ आता है। कभी कभी जो है वर वधु का जो दाम्पत्य जीवन होता है और शादी के बाद काफ़ी जो है खुशहाल भरा होता है, एक अच्छा रास्ता चुने। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते भाई कि आपका दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा रास्ता अपनाएं, जिससे आपका परिवार का नाम हो, आपके खानदान का नाम हो, आपके कौम का नाम हो, तो अच्छे काम करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन जो है आप गुजारे। एक परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपने हमें बुला के सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय मदन लाल जी वर्मा साहब की तरफ से 2100 रुपये दुल्हन को आशीर्वाद के तौर पर दिए गए हैं।